हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हियर शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। आवर टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर? लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मीन्स कि हमें जो है सेंटेंस की फॉर्म बदलनी होती है उसकी मीनिंग्स चेंज किए बिना। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में हम चेंज करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये पता है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें सडन इमोशंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है? तो हम उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। जैसे What a beautiful sight it was। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस में कैसे कर देंगे? द साइट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी जैसे हाउ काइंड ऑफ यू टू ब्रिंग द इंजर्ड स्ट्रे डॉग। तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू ब्रिंग द इंजर्ड स्ट्रे डॉग होम। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओह दैट आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं असर्टिव में। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। क्लियर? तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक्सक्लेमेटरी को चेंज कर देंगे, ठीक है? फिर हमारा आता है इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको पता है कि इसमें एक फिनिट वर्ब होता है और एक क्लॉज होता है, ठीक है? और कंपाउंड में क्या होता है, दो आपके जो होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और आपके ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमने पिछले चैप्टर पर डिस्कस कर लिया है, तो हम उन कंजक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क नमित वर्कड आउट ऑफ द ऑफिस। तो इसका कंपाउंड कैसे हो जाएगा, नमित फिनिश्ड हिज वर्क एंड वर्कड आउट ऑफ हिज ऑफिस। तो हमने इसको एंड कंजक्शन से इसको जोड़ दिया, ठीक है? अब इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट शी मैनेज्ड टू कैच द फ्लाइट। तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। तो कंपाउंड के लिए जैसे मैंने आपको बताया दो कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और इसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ेंगे। जैसे शी वॉज लेट बट शी मैनेज्ड टू कैच द फ्लाइट। क्लियर क्लास? अब हमारा नेक्स्ट देखें इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में क्या बताया था, एक होता है इसमें मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी के उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और इनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। जैसे मीनाक्षी वॉज ग्लैड टू विन द स्कॉलरशिप, ये सिंपल है। अब हम इसको जब चेंज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो मीनाक्षी वॉज ग्लैड दैट शी हैड वॉन द स्कॉलरशिप। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर इज हिज मदर। तो ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस है और हम इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हुए इसको जोड़ देंगे, ठीक है? ये हमारा हु क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद है यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। तो इसका जब हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो इफ आपका क्या है, सबऑर्डिनेट आपका कंजक्शन है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।